अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी फूड लैब। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक से रेसिपी सिखाने वाली हूँ, जो कि है चिकन कोरमा। वेरी डिलीशियस एंड वेरी यूनिक। चलें आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर हमने लेना है ऑयल, जो कि हम ले रहे हैं 1 कप। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं करना। इसके बाद हम ऑयल में डालेंगे 750 ग्राम्स ऑफ योगर्ट। योगर्ट डाल देंगे हम 750 ग्राम की जितनी, जिसे हम कह लेंगे 1.25 किलो। उसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हैं हरी इलायची, साबुत काली मिर्च और लौंग। लौंग डालने के बाद उसमें हम डालेंगे धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, नमक जायके के हिसाब से। नमक डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे, और ऐसे मिक्स करेंगे ताकि दही में और मसालों में कोई भी लम्स ना रहें, सारी गुठलियाँ अच्छी तरह से निकल जाएँ। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप के जितना पानी। पानी डालने के बाद इसको फिर से हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसका अब चूल्हा चला देंगे। पैन के नीचे, याद रहे, शुरू में हमने चूल्हा नहीं चलाना, और ये वो टाइम है जब हर चीज़ मिक्स करने के बाद हम अपना चूल्हा जो है वो ऑन कर देंगे। अब चूल्हा ऑन करने के बाद हमने अपने पैन को कवर कर देना है, और 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। अब आप ग्रेवी की ये शक्ल देख सकते हैं। जब ये वाली स्टेज आ जाएगी तो हम इसमें एक दफ़ा दोबारा से चम्मच फेरेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब अपनी बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब इसमें इसके बाद क्या जाएगा, इसमें जाएगा चिकन, जो कि है हमारे पास 2 किलो। 2 केजी के जितना हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे इस ग्रेवी के साथ, ताकि चिकन ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसके बाद शामिल करेंगे। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे, और हर एक बोटी को दूसरी बोटी से अलग करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे दोबारा से कवर करेंगे, और 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकता रहने देंगे, ऐसे ही ढक्कन लगे। 20 मिनट बाद अब इसका ढक्कन उठाकर हम इसे देखेंगे, ऐसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। अच्छी तरीके से इसे दोबारा से करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से ढकेंगे, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम 250 ग्राम के जितना तला हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें 4 से 5 कतरे हम डालेंगे केवड़ा वाटर के। केवड़ा वाटर इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू देता है, इसे लाजमी डालिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब हम इसे अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से ढक कर पकाएंगे। अब हम जब इसे ढकेंगे तो हम इसे 30 मिनट के लिए ढकेंगे वेरी लो फ्लेम पे, बहुत हाई आप कह लें दम वाले फ्लेम पर। दम वाले फ्लेम पर रखने के बाद हम इसे 30 मिनट तक पकाएंगे, और उसके बाद उसकी लुक कुछ इस तरह की होगी। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखने में ये बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी भी ये पूरा रेडी नहीं है। अब हम इसमें जायफल डालेंगे 1/4 टीस्पून, और जावित्री डालेंगे वो भी 1/4 टीस्पून, और इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें अगेन हम डालेंगे केवड़ा वाटर, सिर्फ 3 से 4 कतरे। आखिर में ये चीज़ें डालने का मकसद है कोरमे को कोरमे वाली खुशबू देना, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अगेन 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे, ताकि सारे एब्जॉर्ब हो जाएं फ्लेवर्स चिकन के अंदर।
ली जी, हमारा कोरमा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी बहुत खूबसूरत शक्ल आई है और अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हमने अपना ये प्यारा सा सर्विंग बोल ले लिया है, इसके अंदर हम अपना कोरमा सर्व करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में हमारा इतना प्यारा कोरमा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप इसे सैलड के साथ सर्व करिए और इन्जॉय करें इसे नान या फिर रोटी के साथ। वैसे मेरी एडवाइस में आप इसे पराठे के साथ सर्व करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।